नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारे साथ में कुछ मेहमान मौजूद है और मैं खुद कहीं पे आया हूँ। ये हमारा स्टूडियो नहीं है, हमारे मित्र फारूक शाह है, उनका स्टूडियो इंकलाब न्यूज़ लाइव का आज नए स्टूडियो का नए ऑफिस का उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन के मौके पर हम आए, थोड़ी सी जानकारी आपको फारूक भाई के काम के बारे में देना चाहूँगा। उसके पहले फारूक भाई से ये चाहूँगा कि फारूक भाई अपनी टीम का इंट्रोडक्शन कराए। फारूक भाई, आपकी टीम का जरा इंट्रोडक्शन कराइए। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, मेरी टीम तो पूरे बसे विरार की पत्रकार समूह है, लेकिन खास करके फिलहाल अभी जो हमारी टीम है उसमें अल्ताफ भाई को तो आप देखते होंगे सदैव, क्योंकि हर एक फोटो में वीडियो में अल्ताफ भाई हमारे साथ ऐसे ही रहते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे साथ नए मित्र जुड़े हुए हैं, हमारे कारी साहब। और कारी साहब जो है इस समय साई बाजार का ब्रांच संभालेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं अकेला ही चला था और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई मेरे साथ जुड़ेगा, मैं रहूंगा, लेकिन धीरे धीरे लोग प्रतिभा को पहचानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। अल्ताफ भाई ने मुझे चुन लिया, बराबर ना अल्ताफ भाई, इन्होंने मुझे फोन किया, बोले मुझे काम करना है साथ में, मिलके करेंगे, और हमने इनके साथ काम शुरू किया। अल्लाह के करम से आज 2 लाख फॉलोअर टोटल सोशल साइट पर मिला के, सभी सोशल साइट में जाके 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। मुंबई और नाला सुपारा, वसई विरार, पालघर और जो है कि इन क्षेत्रों में अपने कम से कम नहीं तो 20 से 22 ब्रांचेज बनने वाली है। लोगों के ऑफर हैं, ये सब लोगों दोस्तों का दिन, दोस्तों का जो है मोहब्बत है जो लोगों ने साथ दिया। अल्ताफ भाई, मैं उन तमाम दोस्तों का धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप सबसे पहला, हमारा एक मराठी चैनल चलता था लिंक मीडिया करके, और आज भी है, और लिंक मीडिया के लिए जो श्रीमान भागल करके जो एडिटर है और जो संभालते हैं लिंक मीडिया, उस पर हम काम करते थे। अब यूट्यूब चैनल चालू भी नहीं हुआ था, यूट्यूब से कोई प्रोग्राम चालू भी नहीं हुआ था, और उसके बाद में मैंने फारूक भाई का जो न्यूज़ का जो काम देखा जब यूट्यूब चालू हुआ, तभी उनकी 2-4 धमाके वाली न्यूज़ देखा और फारूक भाई जो काम करते थे, तो मुझे इच्छा अंदर से इच्छा हुआ कि मैं फारूक भाई के साथ जुड़ूँ और इस चैनल के माध्यम से एक के बदले दो। अभी मराठी एक चैनल है हमारा लिंक मीडिया, और अभी इनकलाब के साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो ये फारूक भाई ने अपना इंट्रोडक्शन दिया काफी खूबसूरती से, लेकिन फारूक भाई ने बहुत कम बोला है, क्योंकि इनका चैनल मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ। आप सिर्फ यूट्यूब पर जाइए, इंकलाब न्यूज लाइव को सर्च कीजिए और वहां चेक कीजिए। अब जो मैंने आपको पहले बोला था कि मैं आपको इनके काम के बारे में बताना चाहूंगा, तो दरअसल पत्रकारिता एक ऐसा फील्ड है जहां अक्सर पत्रकार अपने टीआरपी के लिए पीछे भागते हैं, और भागना भी चाहिए क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो उसका फायदा हमको मिलना ही चाहिए। लेकिन फारूक भाई की एक आदत है कि ये टीआरपी वाले मुद्दे उठाए ना उठाए इनको परवाह नहीं है, लेकिन इनके ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए रहते हैं कि जिन मुद्दों पर किसी का कभी ध्यान ही नहीं जाता, और उन मुद्दों को इतनी खूबसूरती से फारूक भाई उठाते हैं कि क्या कहा जाए। कई मुद्दे हैं ऐसे, कई चीजें हैं जिसपे बेबाकी से फारूक भाई अपने चैनल के माध्यम से आवाज उठाते हैं, और यही चीजें जो फारूक भाई को दूसरे सब लोगों से अलग करती है। आज के इस युग में, पत्रकारिता के युग में, पत्रकारों को टीआरपी के लिए भागना चाहिए नहीं भागना चाहिए, ये बहस की बात है, ये अलग चीज है। लेकिन जहां पत्रकारों पर आजकल हर समय सवाल उठता है, पत्रकारों की पत्रकारिता के ऊपर सवाल उठता है, तो वहां ऐसे में गिने चुने लोग ही है जिनके ऊपर कोई जल्दी सवाल नहीं उठाता है, तो उनमें शुमार फारूक भाई और इनका चैनल होता है। तो यही खासियत है, इसके लिए मैंने पहले भी कहा कि आप चाहो तो खुद YouTube पे जाइए, इंकलाब न्यूज लाइव सर्च मारिए, आपको खुद पता लगेंगे कि ऐसे ऐसे मुद्दे वहां आपको मिलेंगे जिन मुद्दों पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। तो फारूक भाई, इससे जुड़ा एक सवाल मेरा ये है कि ये मुद्दे आपके ध्यान में आते कहां से? मेरा एक स्लोगन है, जज्बात सुलग रहे हैं इंसान। मेरे फेसबुक आईडी पे जाएंगे आप, यूट्यूब पे जाएंगे, ट्विटर पे जाएंगे, सब में कुछ जज्बाती बातें ही स्लोगन में रहती हैं, और इसका भी टाइटल यही है इंकलाब न्यूज़ लाइव का, आपको रखे सच के साथ, सच को रखे आगे। कोई ये कहता है आगे पीछे ये वो, लेकिन मैंने रखा है आपको रखे सच के साथ, क्योंकि सच जो होता है ना वो बोलना बड़ा मुश्किल होता है, और मैंने इसको माध्यम बनाया। ये मेरा एकदम सीधेपन का एक सीधा साधा हथियार था, ये न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, क्योंकि क्या होता है ना, जब असहाय अकेला आदमी होता है ना
और उसको साथ की जरूरत पड़ती है ना, तो अक्सर ऐसा उसको भरोसा नहीं होता आज के डेट में, कोई साथ देता नहीं है, कुछ दूर चलता है छोड़ देता है। तो ऐसे सिचुएशन में आदमी के पास जो है ना कि ऑप्शन नहीं रहता, हथियार कुछ भी नहीं है, ताकत नहीं है, पावर नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपके पास एक ही हथियार है, अगर अंदर से जज्बात थे मेरे, वो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया सोशल मीडिया, और उस प्लेटफॉर्म पर मैंने जो है अपने सारे जज्बात को कह दिए। अब जब मसले आते हैं मेरे सामने, कहीं रोड खराब, रास्ते खराब, लाइट का समस्या, किसी के ऊपर कोई जो तकलीफें हैं, उन सब सारी चीजों को जब देखता हूँ, तो उन सब सारी चीजों को मैं सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ। मैं वीडियोज इसलिए नहीं डालता हूँ भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं वीडियोज इसलिए नहीं डालता हूँ, ये मेरा जीविकोपार्जन चलने का माध्यम तो है ही है, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन वीडियोज इसलिए डालता हूँ कि मेरे बाद आज से 20 साल, 25 साल, 50 साल बाद जब इन वीडियोज को लोग सोशल मीडिया पर देखेंगे, और तब लोग महसूस करेंगे कोई तो था जो उस समय भी बोल पाता था। और यही मैंने अपने कई दोस्तों में देखा है, हमारे साथ हमारे भाई हैं यूसुफ भाई, ये भी काफ़ी सच की बात करते हैं, बहुत हद तक इनकी ज़मीनी सतह से जुड़ी हुई न्यूज रहती है। और अल्लाह का करम यह है कि मेरे साथ इस समय जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और जितने लोग मेरे ऑफिस पर आए, उन लोगों में मैं ज़्यादातर देखा जो ज़मीनी सतह पर ही बात करते हैं और ज़मीनी सतह पर न्यूज़ कवर करते हैं। उमेश भाई भी लोग बहुत बेबाकी से बोलते हैं, अल्ताफ भाई भी ऐसे ही बातें रखते हैं जहाँ पर डर ना हो, निडर होकर बात करते हैं। एक आखिरी बात करना चाहूंगा, तो एक आखिरी चीज है, सबसे बड़ी चीज है संसाधन। हम किसी भी काम को करने के लिए हमको संसाधन की जरूरत होती है, तो आज के समय में पत्रकारों को क्या संसाधन है नहीं है, एक बड़ा बहस का विषय है, लेकिन उसके बावजूद भी सीमित संसाधन होने के बावजूद भी किस तरह से काम करना और अपनी आवाज को मजबूती से उठाना, ये इनकी खासियत है। अभी के लिए इतना ही, एक ये शॉर्ट मुलाकात की हमारे फारूक भाई के साथ, और फारूक भाई के आज ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, इस ओपनिंग को हम ओपनिंग स्टार्ट फारूक भाई के ऑफिस से नहीं लेके ऐसा करेंगे कि फारूक भाई एक और नई पीढ़ी को ओपनिंग करने जा रहे हैं, ऐसा इसको कहेंगे। और अभी के लिए इतना ही, एक रुकना चाहूंगा, नमस्कार। पटेल साहब जहाँ शामिल होने के लिए आया, इंकलाब न्यूज का ये ऑफिस ओपनिंग है, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, हमें बुलाया है ऑफिस को ओपनिंग के लिए, और ऑफिस की जरूरत है, ऑफिस होना चाहिए था, इतना बड़ा ऑफिस बन रहा है तो अच्छी बात है, खुश है सब लोग। अमन पत्रकार जो है वो अपनी समस्या कहीं पे रख नहीं सकता है, पूरे समाज की समस्या रखता है लेकिन अपनी समस्या नहीं रख सकता है, इसके लिए आप अगर अपने व्यू से जो है तो देखना चाहे तो पत्रकार को किस तरह से मदद करना चाहेंगे, पत्रकार को किस तरह से सहायता करना चाहेंगे? पत्रकार को अपनी भूमिका रखना चाहिए लोगों के सामने, पत्रकार पत्रकार जो है उन्होंने सही बात पब्लिक के सामने रखना चाहिए, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे लिए माफ नहीं, मेरी भी बात रखना चाहिए पत्रकार को, अगर मैं गलत काम करूँ तो भी जनता के सामने आना चाहिए, तो मामा गलत भी है, पत्रकार का काम है जो सही बात है वो जनता समाज के सामने रखना। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।